एक नॉन पॉलिटिकल और राष्ट्रव्यापी संगठन है जो राष्ट्रभक्तों से भरा हुआ है। आज हमारा संगठन 22 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है, जिसका लक्ष्य जो है वो केवल 2 लक्ष्य थे, जिस पर मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले भारतीय रक्षा मंच का जो उदय हुआ वो सिर्फ 3 पॉइंट पर हुआ कि जो भारत में इलीगल तौर पर घुसपैठ हो रहा है या किसी नियोजनबद्ध तरीके से हिंदुस्तान में लाए जा रहे हैं या वोट बैंक की नीति से लाए जा रहे हैं या जैसे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े ऐसे जैसे लोगों के साथ जो बाहर से लोगों को अपने अंदर ला रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को हमारे वक्त बड़ा खतरा है, उसका एक पॉइंट हमने उठाया था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था जो अवैध रूप से लोग यहाँ आए हैं उनकी शिनाख्त की जाए, और शिनाख्त के लिए हमने ये कहा था कि उनका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नेशनल तौर पर, जिसको उनके NRC के तौर पर हमने कहा था। और तीसरा ये था हमारा कि 370 और 35 ये जो जम्मू की एक बड़ी ज्वलंत समस्या थी, इसका जो है एबर्गेशन की जाए। तो हम ये कहते हैं कि भारत रक्षा मंच आज बहुत कामयाब हुआ है कि भारत सरकार ने जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करी है, हमारे तीनों मुद्दों पर उन्होंने ऐसा काम किया है, हम तो ये सोचते हैं जैसे कि वो प्रधानमंत्री हमारा ही लक्ष्य लेकर के चले हुए हैं। उन्होंने 370 को भी हटाया, 35A को भी हटाया, और सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आज से 5 दिन पहले इसमें बिल था, लेकिन उसके बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अब ये एक्ट पास जो हुआ है, बिल्कुल हम इस दोनों चीज़ों के लिए भारत रक्षा मंच जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान इनका स्वागत करता है और हर स्टेप में हम इस पर उनके साथ हैं। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मतलब यही था कि जो हमारा ये एक्ट बना हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, इस पर जो दुष्प्रचार हो रहा है पूरे देश में आग जो लगाई हुई है, वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपके माध्यम से पूरी जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट बना गया है ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ नहीं है, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, किसी सिख के खिलाफ नहीं है, किसी बौद्ध जैन या अपना क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, प्रोवाइडर उसके पास ये अपने सारे जो है संवैधानिक रूप से उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये खतरा उन्हीं लोगों का है जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेस इलीगल तरीके से इंपोर्ट किया गया है किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए। ये मकसद आपसे छुपा नहीं है, कुछ बाहर की ताकतें जो इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक संगठन हैं, और देश के बीच में जो हमारे ऐसे घुसपैठिए खाते हिंदुस्तान के हैं, लेकिन प्रचार और काम जो है विदेशी संगठनों के लिए करते हैं, वोट बैंक की नीति जो है, और बुरे तरीके से जिनका ये काम है कि इनको यहाँ लाया जाए, बहुत तरीके से जिन लोगों को कोई नहीं ले रहा उन लोगों को यहाँ बसाया जाए ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके यहाँ को भी किसी न किसी एक हिस्से को इस्लामिक देश या इस्लामिक प्रांत जो बनाया जाए। ये उनकी सारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारत रक्षा मंच ने बेड़ा उठाया।